नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 40 की बात करते हैं। हम लोग क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं और सीखते भी जा रहे हैं। जो क्रम से पढ़ रहे हैं उनको विशेष लाभ। हम हमेशा कहते हैं क्रम से पढ़ेंगे तो ज्योतिष अवश्य सीखेंगे। ग्रहों के गुण स्वरूप को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में हम लोग मित्र शत्रु की बात कर रहे थे, तो आज भी मित्र शत्रु की ही बात होगी। सूर्य के मित्र कौन, शत्रु कौन, सम कौन, ये जाना, चंद्रमा के विषय में जाना, मंगल के विषय में जाना। आगे बढ़ते हैं और आज बुध के विषय में जानते हैं कि बुध का मित्र कौन, शत्रु कौन और सम कौन। तो मित्र शत्रु सम बनाने का जो फॉर्मूला हम आप लोगों को पीछे भी बताएं, हमको उम्मीद है कि वो आप लोगों को याद होगा, लेकिन फिर भी हम दोहराते इसलिए रहते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां आप राशि के स्वामी सीख जाएंगे, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। भाव संख्या से याद हो जाएगा, कभी भटकेंगे नहीं, और मित्र शत्रु भी तैयार हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला जो कॉम्बिनेशन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमेशा कहते हैं कि ग्रह, जिस भी ग्रह के मित्र और शत्रु हम लोग निकाल रहे हैं, उसकी मूल त्रिकोण राशि आपको याद होनी चाहिए। यहाँ देखिए, आपको मूल त्रिकोण राशि भी आसानी से याद हो जाएगा। अब बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? कन्या। कन्या में ही उच्च के होते हैं, कन्या स्वराशि है। इनके आगे हम आपको बताएंगे, या पीछे हम कहना चाहेंगे, पीछे हम आपको बता चुके हैं कि मूल त्रिकोणांश कहाँ से कहाँ तक होता है। आगे मूल त्रिकोण राशि को क्या करना है, लग्न में लिख देना है और क्रमशः अन्य भावों में राशियों को स्थापित करना है। अब जब हम राशि स्थापित कर लेंगे तब हम लोग दूसरे नियम की बात करेंगे। तो आपने देखा कि कहीं क्रम नहीं टूटा, 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9, अर्थात कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और ये 12वें में जाके सिंह, क्रम नहीं टूटा। अब आगे क्रम टूटा नहीं, यहाँ ये हमने लिख दिया, समझिए कि 25% प्राप्त कर लिया। आगे जो हम लोग लिखते हैं कि मित्र होने के लिए क्या होना चाहिए, तो पहला भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव, नवां भाव और 12वां भाव, इस सब में हमको मित्र लिख देना है। और मित्र के लिए क्या चाहिए कि उच्च राशि स्थित, उच्च राशि। अब ये किसी भी ग्रह की, अब बुध की बात कर रहे हैं तो कन्या चूंकि लग्न में ही है तो ये पहले में आ ही जाएगा, मूल रूप से ये प्रत्येक में आ ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पहले में मित्र लिखते हैं, दूसरे में मित्र लिखते हैं, चौथे में मित्र, पांचवें में मित्र, आठवें में मित्र, नौवें में मित्र और 12वें में मित्र। इस क्रम में हम सिर्फ मित्र को याद रख लें या फिर शत्रु को याद रख लें, तो दूसरा स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाएगा। अब जितने भी भाव बचे हैं सब में एनिमी लिख दिया जाए। अब आपने देखा कि 3, 6, 11 जो अशुभ स्थान है वो भी यहाँ प्राप्त हो गया और 7 और 10 अलग से हो जाता है। अब ये सब जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो कितना आसान हो जाएगा अब हमको मित्र शत्रु सम बनाना। अब सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं कि सूर्य मित्र है कि नहीं, तो इसकी राशि सिंह है और सिंह राशि अब ढूंढना भी आसान हो गया होगा आप लोगों को, 12वें भाव में स्थित है। 12वें भाव में सिंह राशि स्थित है और वहाँ क्या लिखा हुआ है, मित्र। तो बुध के लिए सूर्य मित्र हैं। चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा की राशि क्या होती है, कर्क। तो अब कर्क राशि जहाँ लिखा है, जब तक आप लोग ढूंढिए, तो कर्क लिखा है 11वें स्थान में और यहाँ शत्रु है, तो हम लोग इसको, उस चंद्रमा को शत्रु के श्रेणी में रख लेते हैं। अब चंद्रमा के बाद मंगल की बात कर लें तो मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। अब मेष को ढूंढते हैं, देखिए आपको मेष 8वें स्थान में नजर आएगा, यहाँ मित्र और यहाँ 3रे स्थान में वृश्चिक, यहाँ शत्रु। तो
तो मेष मित्र हैं और वृश्चिक राशि जहाँ स्थित है वो भाव शत्रु भाव में है, तो मित्र और शत्रु सम में आ गया, तो मंगल सम हो गया। बुध की तो बात ही कर रहे हैं, तो अब गुरु की बात करें तो गुरु की दो राशियां होती हैं और वो है धनु और मीन। धनु देखिए आपके पत्रिका में कहाँ स्थित है, जो बोर्ड पे लगा हुआ है, तो धनु स्थित है चौथे स्थान में और वहाँ मित्र लिखा हुआ, और जो मीन है वो सातवें स्थान में है, वहाँ शत्रु लिखा हुआ है। तो अब मित्र शत्रु दोनों हो गए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सम कहेंगे। तो ये सम में आ गए आपके गुरु भी। गुरु के बाद अब शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र की भी दो राशियां हैं, वृष और तुला। वृष राशि पत्रिका में नवें स्थान में है, वहां मित्र लिखा हुआ, और तुला राशि दूसरे स्थान में है, वहां भी मित्र। तो और ये दोनों राशियों में मित्र लिखा हुआ है, इसलिए शुक्र मित्र के श्रेणी में आ जाएंगे। अब शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि की दो राशियां मकर और कुंभ। तो मकर राशि पांचवें स्थान में स्थित है, आप देखते रहेंगे, और कुंभ राशि छठे स्थान में स्थित है। तो पांचवा स्थान मित्र का और छठा शत्रु स्थान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी सम हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, बुध सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को शत्रु मानता है। फिर से सुनिए, बुध सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को शत्रु मानता। सूर्य शुक्र इसके मित्र हैं, मंगल गुरु शनि ये तीनों ग्रह सम में आते हैं। चलिए आगे अब हम लोग बुध के बाद गुरु की बात कर लें और गुरु के मित्र शत्रु और सम की बात कर लेंगे। गुरु जीव राशि है और जीव ग्रह है, और उसके दोनों राशियों को जीव राशि भी कहते हैं। पाठ के क्रम में थोड़ी बहुत जानकारी और भी होनी चाहिए। और धनु और मीन ये दो जीव राशियां, दोनों के स्वामी गुरु। अब गुरु के मूल त्रिकोण राशि की बात कर लें, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी याद होगा, पिछले पाठ में हमने पढ़ाया हुआ है। तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है। अब गुरु के ही मित्र शत्रु और सम हमको निकालने हैं, तो एक चार्ट तैयार करते हैं हम लोग फिर उसी तरह से, और मूल त्रिकोण राशि को लग्न में रखेंगे, और मूल त्रिकोण राशि कौन सी प्राप्त हुई है, तो धनु। धनु मूल त्रिकोण राशि प्राप्त हुई। अब धनु को यदि हम यहाँ रखते हैं, तो क्रम से धनु के बाद मकर, मकर के बाद कुंभ, और कुंभ के बाद मीन, और मीन के बाद मेष, मेष के बाद वृष, के बाद मिथुन, कर्क, उसके बाद सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, और फिर वृश्चिक। यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया, आसान हो गया। अब क्या करना है कि जो मित्र होंगे वो कौन कौन से भाव में हम लिखेंगे, पहले में, चौथे में, पांचवें, आठवें, नौवें और बारहवें में। तो अब आप भी अपने कागज पेन से अपने नोटबुक में लिखते रहिए, पहला, दूसरा, क्षमा चाहेंगे यहाँ दूसरा भूल गए हैं, आप लोग भी अपने जगह पे नोट कर लीजिएगा या करेक्ट कर लीजिएगा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां और ग्यारहवां, क्षमा चाहेंगे बारहवां। ये हमारे मित्र भाव है, या कहें इस भाव को हम लोग मित्र मानकर चल रहे हैं। उसमें जो राशि स्थित है उसी से पता चलेगा कि उसके स्वामी, जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं, गुरु के मित्र हैं या शत्रु हैं। अब जितने भाव बच गए, तीसरा एनेमी, छठा एनेमी, सातवां एनेमी, दसवां एनेमी और ग्यारहवां एनेमी। और हम लोग कहते हैं कि जो उच्च राशि है उसको भी मित्र मानना है। तो गुरु की उच्च राशि कर्क है, तो कर्क कहाँ स्थित है, आठवें स्थान में, तो इसको पहले ही मित्र माना, पहले कॉम्बिनेशन में ही आ गया, पहले सिद्धांत में ही आ गया। तब आगे बढ़ते हैं, मित्र की बात कर लें, तो मित्र कौन होंगे, तो सूर्य से प्रारंभ कर लेते हैं। सूर्य की राशि सिंह नवें स्थान में है, नाइन्थ हाउस में है, और वहाँ फ्रेंड लिखा हुआ है, तो सूर्य मित्र की श्रेणी में आएगा, दूसरी राशि ढूंढने की जरूरत नहीं, सूर्य की होती नहीं है।
चंद्रमा की बात कर लेते हैं तो चंद्रमा 8वें स्थान में है और चंद्रमा की राशि कर्क है और वहाँ भी मित्र लिखा हुआ है, तो यहाँ हम चंद्रमा को भी मित्र मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मंगल मेष और वृश्चिक। मेष 5वें स्थान में, वृश्चिक द्वादश स्थान में, 5वां और 12वां दोनों मित्र के श्रेणी में आता है, तो हम मंगल को भी मित्र ही मानेंगे। मंगल के बाद हम बुध की बात कर लेते हैं, तो अब बुध की राशि कौन कौन सी है? मिथुन और कन्या। और मिथुन राशि जहाँ स्थित है वहाँ देखेंगे आप एनेमी 7th हाउस में ई लिखा हुआ है, और कन्या 10th हाउस में वहाँ भी ई लिखा हुआ है, अर्थात शत्रु है कौन? गुरु का। कौन? बुध। शत्रु की श्रेणी में आएगा। अब बुध के बाद शुक्र की बात कर लें, क्योंकि हम लोग गुरु का ही मित्र शत्रु प्राप्त कर रहे हैं, तो शुक्र की कौन सी राशि? वृष और तुला। अब वृष 6ठे में और तुला 11वें में। आप लोगों को भी इसी तरह से ढूंढना है, और दोनों जगह पे एनिमी लिखा हुआ, अर्थात शुक्र भी इसके शत्रु हैं। किसके? गुरु के। हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है। अब शनि की दो राशियां मकर और कुंभ। अब आप देख रहे हैं कि मकर में मित्र लिखा हुआ है, कुंभ में शत्रु एनिमी लिखा हुआ है, तो ये मित्र और शत्रु अर्थात सम के श्रेणी में शनि आ जाएंगे, अर्थात शनि गुरु को सम मानते, न मित्र मानते न शत्रु मानते। अच्छा, ये जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं ये नैसर्गिक रूप से इसके गुण हैं, नैसर्गिक रूप से एक दूसरे को मित्र मान रहे हैं और शत्रु और सम मान रहे हैं। जब तात्कालिक रूप से हम इनमें ग्रहों को बिठा करके जब बताएंगे तब तात्कालिक मित्र शत्रु भी होंगे, और जब हम तात्कालिक और नैसर्गिक को मिलाएंगे तो पंचधा मैत्री की बात हो जाएगी, हम लोग एक कदम और ज्योतिष में आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ आपने बुध का और गुरु का मित्र शत्रु सम पढ़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, फिर भी हम अगले क्लास अर्थात पाठ संख्या 41 में शुक्र और शनि के मित्र शत्रु सम को बताएंगे। आप क्रम से पाठ को पढ़ते रहिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।